हेलो दोस्तों, नमस्ते। आप सभी का हमारे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं लव सिंह और इस चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, बहुत सारी कमेंट और कॉल, सर मैं यहां से QS5 लेता हूं, हज़ार हज़ार रुपये का मैंने QS5 को परचेज़ किया है, बट मुझे ये पता नहीं है वो क्रैक है या ओरिजिनल है। सर, प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं करता है, तो ये प्लगइन उसके अंदर इंस्टॉल नहीं होता है तो दिक्कत करता है। कभी ये फीचर, कभी जो ये हाइड हो जाता है, कभी ओपन नहीं होता है, तो कोई ट्रैक QS5 के अंदर जा नहीं रहा है। बहुत सारे प्रॉब्लम आप लोग का यहाँ पे सुनने को मिलता है, तो आज मैं आप लोग का बताने वाला हूँ कि QS5 ओरिजिनल और डुप्लीकेट का क्या पहचान होता है। चलिए मैं वो आपको बताता हूँ। देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास एक QS5 का ओरिजिनल सेटअप है, ये बाइक किया हुआ सेटअप है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पे सेटअप को एक्सट्रैक्ट कर लिया हूँ, तो इसके अंदर ये सारे देखिए आपको यहाँ पे सेटअप मिलेंगे, ठीक है। और ये सेटअप है, इस सेटअप को रन कीजिएगा, उसके बाद आता है अपडेट फाइल। आप देख सकते हैं यहाँ पे अपडेट फाइल, जब मैं क्लिक करता हूँ तो इसके अंदर तीन अपडेट फाइल है, इसका मतलब एक्टिवेशन फाइल है, और जब जो मैंने इसको अपडेट किया है वो यहाँ पे जो वो फाइल शो कर रहा है, ठीक है। जैसे कि 5.1.0 है, सबसे मैंने परचेस किया था फर्स्ट में, तो वो यहाँ पर दिखा रहा है, ठीक है। इसके अंदर सेटअप होता है, इस सेटअप को इंस्टॉल कीजिएगा, वो ऑटोमेटिक ये आपका डिटेक्ट कर लेगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि जब आप ओरिजिनल सेटअप को परचेस करते हैं तो जब कुछ दिन के बाद उसका अपडेट आता है, ठीक है, और आपको ध्यान देना पड़ेगा कि फ्री अपडेट नहीं मिलता है। आप किसी भी प्लगइन को परचेस करते हैं तो उसका अपडेट कुछ ना कुछ चार्ज आपको देना पड़ता है, ठीक है। तो अब सेकेंड देखिए, जब मैंने ये 5.1.1 आया तो उसमें अपडेट किया, तो ये सेटअप मेरे पास है, देख सकते हैं आप, ये सेटअप है, ठीक है। उसके बाद फिर 5.1.2 आया तो उसमें मैंने अपडेट किया, तो ये आप देख सकते हैं ये अपडेट फाइल है। तो ओरिजिनल का पहचान यही होता है कि ये अपडेट फाइल आपको मिलेगा उसके अंदर में, ठीक है। जो जो आप अपडेट करेंगे वो फाइल आपके आपको वहाँ पे आपके सेव हो जाएगा, या आप सेव करके रख सकते हैं इसको। अब बाय द वे, यदि मैं ये सेटअप को कभी इंस्टॉल करता हूँ या मेरे PC फॉर्मेट हो गया, जब मैं इसको इंस्टॉल करूँगा तो मैं यहाँ से मुझे कोई सा भी वर्जन यहाँ पे अपने PC में रखना मैं चाहता हूँ, ठीक है, तो उस PC को सिंपली यहाँ से हम एक्टिवेट कर लेंगे, इसको इंस्टॉल करेंगे, ऑटोमेटिक एक्टिवेट हो जाएगा, प्रोजेक्ट वगैरह सेव होने लगेगा, ठीक है। और इसके साइट पे भी यदि आप परचेस किए होंगे email ID डाल के, तो जब भी आप अपडेट कीजिएगा तो वो लेटेस्ट आपको इसी तरह से जीप फाइल मिलेगा, उसको जब एक्सट्रैक्ट कीजिएगा तो ये अपडेट फाइल उसके अंदर आपको मिलेगा, ठीक है। ये सेटअप को जैसे रन कीजिएगा वो आपके PC में एक्टिवेट हो जाएगा, रन हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर कि जब भी आपको ध्यान देना है, जब भी ओरिजिनल सेटअप होता है तो उसका अपडेट फाइल होता है, जो भी जिसमें वो आपको या जो भी बंदा लिया है तो वो जितना बार अपडेट किया है वो सेटअप इसके अंदर इनबिल्ट रहता है, ये तो आप उसको सेव करके भी रख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए बात आता है कि बाय द वे आपने QS5 को यूज़ कर रहे हैं, आप QS5 को यूज़ करने के बाद क्या होता है कि कभी हम जब यूज़ करते हैं तो उसका जो है कुछ सेटिंग इधर उधर हो जाता है, ठीक है। तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, यदि ये ओरिजिनल सेटअप आपके पास रहेगा तो आपको सिंपल क्या करना है, आपको जैसे कि आपने 5.2 को इंस्टॉल किया है तो आपको 5.2 का सेटअप को इंस्टॉल नहीं करना है, आपको डायरेक्ट क्या करना है 5.1 या 0 जो भी है इसके नीचे या ऊपर वाला वर्जन को आप फिर से उसको इंस्टॉल कर लीजिएगा। तो इंस्टॉल करने के बाद ऑटोमेटिक वो सेटिंग जो है आपका, वो जो इनबिल्ट जो आता है QS5 का, वो सेटिंग ऑटोमेटिक आपके उसमें शो हो जाएगा, ठीक है। तो ये होता है ओरिजिनल का पहचान। तो इस तरह से आप कन्फ्यूज़न ना हो, आप जेन्युइन चीज़, यदि किसी भी तरह का प्लगइन आपको चाहिए तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और मैं जो भी प्लगइन देता हूँ वो प्रॉपर इंस्टॉल करके देता हूँ, एनीटेक्स के थ्रू या किसी के थ्रू, वीडियो कॉल के थ्रू भी आप करवा सकते हैं, और जेन्युइन चीज़ आपको मिलेगा, सभी लाइसेंस के साथ रहता है ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ आपको ओरिजिनल डुप्लीकेट का पहचान यहाँ पर चल गया होगा। तो इसकी यदि आपको कोई बोले कि मैं QS5 आपको ओरिजिनल दे रहा हूँ, हो सकता है कि उसने यदि QS5 को लिया है तो वो अपडेट नहीं किया हो, तब उसके पास ये अपडेट फाइल सिर्फ एक ही रहेगा, ठीक है। और जो कि अपडेट फाइल जो कि प्रॉपर यूज़ करता है, जो अपना प्रॉपर वो QS5 यदि यूज़ करता है, ओरिजिनल वर्जन है उसके पास, तो वो अपडेट ज़रूर करेगा। जैसे कि मैं यहाँ पे अपडेट किया हूँ तो मेरे पास देख सकते हैं 3-3 फाइल है। तो इस तरह से आप लोग पहचान गए होंगे ओरिजिनल डुप्लीकेट का। और जो भी ऐसा कोई मायने नहीं रखता है कि 3 GB, 4 GB, 5 GB, हाँ प्रॉपर जो इसका साइज होता है नॉर्मली 2 GB प्लस होता है, ठीक है। अब कोई 10 GB भी बना देगा तो क्या करेगा, इसी के अंदर में कोई DLL वगैरह डाल देगा या कोई VST का सेटअप वगैरह डाल देगा, तो ये आपको दिखेगा कि ये 15 GB का है, 20 GB का है, तो वो सब फेक होता है, उस सब के चक्कर में आप लोग नहीं पड़िए। जेन्युइन सेटअप लेने के लिए आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कोई भी प्लगइन चाहिए
कम बजट में आपको अच्छा चीज़ हो मिलेगा, ठीक है। और साहब ही देखिए, मैं कोई फ्रॉड वगैरह नहीं करता हूँ। और कितना भाई होता है कि कमेंट आता है कि सर मैंने उससे लिया प्लगइन, वो जो मेरे साथ फ्रॉड कर लिया, मैंने प्लगइन उनसे लिया तो इंस्टॉल करके नहीं दे रहा है, कॉल रिसीव करके नहीं दे रहा है। तो भाई वो सब जो है कि उनके पास होता होगा, हम लोग वैसे नहीं करते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो में आपको नॉलेज मिल गया होगा, ओरिजिनल डुप्लीकेट का पहचान आप लोग ढूंढ लिए होंगे। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।